अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये हमारी हो रही है ईद की प्रिपरेशन और यहाँ तैयार हो रहा है बिरयानी मसाला। ये हम जी अपनी सब्जियाँ फ्राई कर रहे हैं फॉर मेकिंग चिकन पास्ता। इसमें कैप्सिकम है, अनियन एंड टोमेटोज, एंड दिस इज द चिकन इज गेटिंग फ्राइड इन सोया सॉस, विनेगर एंड ब्लैक पेपर। इसके बाद अभी हम आपको दिखाते हैं कि जब हम इसमें राइस डालेंगे अपनी बिरयानी में और जब हम इंशाल्लाह पास्ते को फाइनलाइज करते हैं, देन आई विल शो यू हाउ डज इट लुक लाइक। तो नाज़रीन, ये दम आ चुका है हमारी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी को और अब हम ये मज़े से इंशाल्लाह ईद के दिन इसको इंजॉय करेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंशाल्लाह फिर हम आपको ईद वाले दिन अपनी तैयारी दिखाएंगे, और डिशेस भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह कपड़े दिखाएंगे हम अपने कैसी तैयारी करते हैं कपड़ों की, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो ईद का सिलसिला है वो पहले दिन ही शुरू हो जाता है और शाम को ही गेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आज हम लोगों ने ये मज़ेदार सा चिकन चाइनीज़ पास्ता बनाया है और इसके साथ हम सर्व करेंगे चिकन बिरयानी और साथ चना चाट, शीर खोर और ईद का केक डेफिनेटली। तो ये बड़ा अमेजिंग सा फूड आइटम है, फूड डिश है, जो कि आप ईद के पहले दिन सर्व कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लाइट चिकन पास्ता जो कि आपको हैवी भी नहीं करेगा एंड यू विल फील अमेजिंग आफ्टर ईटिंग दिस। होप यू ऑल इन्जॉय योर ईद, अपनी ईद बनाएं मज़े से अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ और इन्जॉय करें चिकन पास्ता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये हमारी तैयारी हो रही है ईद के शीर खोर की और इसमें पहले हमने सबसे पहले सारे जो नट्स हैं उनको हमने अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई किया और उसके बाद सेवइयों के साथ हमने उनको फ्राई किया है। बादाम और काजू का दूध जो है ना वो ग्रैंड करके उसमें ग्रैंड किए। ओके, काजू और उसका बादाम, भीगे हुए काजू, भीगे हुआ बादाम, इसमें ग्रैंड करके इसमें अभी हमने डाला है। ऑलराइट, और अब हम इसमें और इजाफी दूध डालेंगे। क्या बात है, ये मिल्क पैक हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे अच्छा बनता है, इससे टेस्ट शीर खोर का बहुत अच्छा आता है और जल्दी इसे तैयार हो जाता है। ये एज ए कंडेंस मिल्क भी एक्ट करेगा और जैसे कि आपको पता है कि शीर खोर ईद की सबसे फेवरेट स्वीट डिश है और मिनटों सेकंडों में ख़त्म होती है, तो ये जी हमने आज शीर खोर फाइनली चढ़ा ही दिया। अब हम इसमें से ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे, ड्राई फ्रूट निकाल रहे हैं और थोड़ा सा उसको ना दरदरा करेंगे, उसको फिर हम दरदरा करेंगे ताकि ये अभी रोस्ट हो गए थे इसके साथ, तो थोड़ा सा दरदरा होके जब मुंह में आएंगे तो फिर अच्छे लगेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा शीर खोर ईद के लिए तैयार हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने बड़ी खूबसूरत सी गार्निशिंग की है, पिस्ते बादाम और खोपरे की, और सबसे ज़्यादा जो मीठा खाया जाता है ईद पर वो शीर खोर है और शीर खोर का इतना मज़ा है कि कोई भी स्वीट डिश इतनी मज़ेदार नहीं लगती जितना शीर खोर मज़े का लगता है। तो इन्जॉय दिस डिलाइट, अपने घरों में शीर खोर बनाइए और ईद को इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये जी अफ्तारी साइमा लेके जा रही है अभी नेबर्स के घर में, बातें बहुत कर रही है, काम थोड़ा कर रही है, निकल गई। चलो साइमा जल्दी से दे करो। ये जी अफ्तारी भी हमारे नेबर्स को आज चली जाएगी इंशाल्लाह, ये हमारे नेबर्स हैं एंड आज हम आखिरी रोज़े की इफ्तारी इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और नेबर्स को हमारी इफ्तारी जा रही है अल्लाह के फजलो करम से। ये जी हमने बेल बजाई है, वी आर वेटिंग फॉर द रेसिपिएंट्स टू कम आउट एंड रिसीव देयर इफ्तारी।
चलिए जी, भी हम आंटी मिसेस खालिद के घर देने जा रहे हैं इफ्तारी। ये हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। पहले हमने बाजवा साहब के घर दी और अभी हम आंटी खालिद के घर इफ्तारी देने आए हैं। चलें जी, अभी हमने इफ्तारी तैयार कर ली है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए और आज हम उनको भी इफ्तारी इंशाल्लाह बांटेंगे। पहले हम लोगों ने अपने हमसायों को इफ्तारी पहुंचाई, अभी हम इंशाल्लाह सिक्योरिटी गार्ड्स को इफ्तारी पहुंचाने जा रहे हैं। ये साथ जी हमने ज़बरदस्त सा शीरखोर रखा है, बिरयानी हमारी माइक्रोवेव में गर्म हो रही है। एंड देन वी विल हेड स्ट्रेट टूवर्ड्स द गेट एंड गिव दिस इफ्तारी टू आवर सिक्योरिटी गार्ड। तो ये जी जा रही है इफ्तारी हमारे पड़ोसियों को आज इंशाल्लाह। इसमें हमने मज़ेदार सी फूल चाट डाली है और बिरयानी और चपली कबाब है। तो ये जी इफ्तारी साइमा लेके जा रही है अभी नेबर्स के घर में, बातें बहुत कर रही है, काम थोड़ा कर रही है, निकल गई। चलो साइमा जल्दी से दे करो। ये जी इफ्तारी भी हमारे नेबर्स को आज चली जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारे नेबर्स हैं एंड आज हम आखिरी रोज़े की इफ्तारी इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और नेबर्स को हमारी इफ्तारी जा रही है अल्लाह के फजलो करम से। जी हमने बेल बजाई है एंड वी आर वेटिंग फॉर द रेसिपिएंट्स टू कम आउट एंड रिसीव देयर इफ्तारी। चलो जी अभी हम मिसेस बाजवा के घर जा रहे हैं इफ्तारी देने। तो साइमा पहले बेल बजाओ, देखो बाजी घर पे हैं। ये जी भी हम आंटी मिसेस खालिद के घर देने जा रहे हैं इफ्तारी। ये हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। पहले हमने बाजवा साहब के घर दी और अभी हम आंटी खालिद के घर इफ्तारी देने आए हैं। चलें जी, अभी हमने इफ्तारी तैयार कर ली है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए और आज हम उनको भी इफ्तारी इंशाल्लाह बांटेंगे। पहले हम लोगों ने अपने हमसायों को इफ्तारी पहुंचाई, अभी हम इंशाल्लाह सिक्योरिटी गार्ड्स को इफ्तारी पहुँचाने जा रहे हैं। ये साथ जी हमने ज़बरदस्त सा शीरखोर रखा है, बिरयानी हमारी माइक्रोवेव में गर्म हो रही है। एंड देन वी विल हेड स्ट्रेट टूवर्ड्स द गेट एंड गिव दिस इफ्तारी टू आवर सिक्योरिटी गार्ड। वो तरबूजे वाला बाउल और ट्रे, तरबूजे वाला बाउल और ट्रे। आज हमारे गार्ड्स को भी इफ्तारी चली गई है। और प्लेटें नहीं चाहिए, सिर्फ तरबूजे वाला बाउल और ट्रे चाहिए। ट्रे दे दें बस।